ओके डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह भदौरिया। डियर, जैसे आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेई 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि बहुत दिनों के बाद आपका वेट किया आपने, पूरा एक साल अप्रॉक्सीमेट हो गया कि आपका इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था और इसका नोटिफिकेशन 2018 का है। देखिए, आप अगर एक बात नोटिस करें, यहाँ पर ये 2019 चल रहा है, बट जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी जेई का, वो 2018 वाला आया हुआ है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी साइट पर जा सकते हैं और आपको हम नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी पूरा नोटिफिकेशन देख लेंगे। और इसका फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है, इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट, वो आपकी 1 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक है, ठीक है ना। तो एज सून एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। सभी लोग मैक्सिमम इसका वेट करते हैं और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपकी जॉब लगती है जेई और जेई के लिए। तो एसएससी जेई का आपका नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग डेट आपको मालूम है, बता दिया मैंने आपको, 1 फरवरी से स्टार्ट है और ये 25 फरवरी लास्ट इसकी डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, हम बात करेंगे एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है आपका, वो जनरली आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। एसएससी जेई का एग्ज़ाम के लिए जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं और बीटेक होल्डर जिनके पास सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की डिग्री और डिप्लोमा है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और साथ में जो भी कैंडिडेट अपियरिंग है, जो अपियर इट मींस कि जो फाइनल ईयर में है, वो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, अपियरिंग कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई। ओके डियर, तो आप देख रहे हैं कि आप अपना फॉर्म भरिए और आपका डिप्लोमा बीटेक जिनके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में है, वो इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वैलिड हैं वो लोग, ठीक है डियर। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न का कैसा है और क्या क्या चेंजेस हुए इस बार। अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें तो डिपार्टमेंट इसमें कुछ कॉमन डिपार्टमेंट थे, लाइक बीआरओ, सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड फरक का बैरेज। ये 5 डिपार्टमेंट प्रीवियस एसएससी जेई के एग्ज़ाम को देखे हम लोग, तो 5 डिपार्टमेंट थे यहाँ पर डिपार्टमेंट जो इसके एसएससी जेई के अंडर में कंसीडर किए गए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड फरक्का बैरेज। ये 5 डिपार्टमेंट जो कॉमन है प्रीवियस ईयर में भी आप देखें अगर आप लोग, तो इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती रही है, फुलफिल करते गए हैं। बट जो नए डिपार्टमेंट जोड़े गए हैं वो है आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जितने बॉर्डर होती हैं, हमारे बॉर्डर्स होते हैं जम्मू कश्मीर से लेके आप पूरा हिमालय रेंज में देखेंगे, जितनी बॉर्डर्स हमारी हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहाँ पर रोड को बनाना, BRO भी जोड़ा गया है। इस बार जोड़ा गया है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा गया है। साथ में जोड़ा गया आपको सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये डिपार्टमेंट जोड़ा गया है। और इसमें इस बार जोड़ा गया आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये डिपार्टमेंट आपने देखे इस बार के नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिपार्टमेंट। तो डियर, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत इंक्रीज़ किया है, तो हो सकता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है ना। लास्ट आप देखें तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज बहुत कम थी, 300 के अप्रॉक्सीमेट थी, बट इस बार अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी एसएससी जेई 2018 में 1300 प्लस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर लगाते हुए। वैकेंसीज कहीं क्लियर नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट जो सोर्सेज से मालूम चल रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है,
तो वैकेंसीज 1300 प्लस हो सकती है, ठीक है डियर। तो आपको इसकी तैयारी में लगना है और आपके पास इस टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि SSC-JE 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है और SSC-JE 2019 का नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आने वाला है, आपका अगस्त में आएगा। तो आपके पास SSC-JE 2018 भी रहेगा, 19 भी रहेगा, प्लस इसके साथ साथ आपके पास रहेगा इस बार आरआरबी जेई भी आपके पास एग्जाम है, आपके पास DSSSB भी है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम में भी आपके जेई की वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और आपके टाइम है तैयारी करने का, ठीक है ना। थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा है, कैसे आपको तैयारी करनी है जेई की। पैटर्न में इसने कोई चेंज नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न था वही फॉलो किया इसने, देयर इज़ नो चेंज इन एग्जामिनेशन, बट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जैसे देखते हैं मॉडिफाई क्या किया हुआ है। नोटिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, पेपर होने का तरीका है, वो सबका सब प्रीवियस ईयर जैसा ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैसे SSC-JE में आपके पेपर पैटर्न क्या है। फर्स्ट अगर हम लोग पैटर्न की बात करें, पैटर्न क्या है यहाँ पर, तो डियर देखिए पेपर फर्स्ट जो है आपका वो CBT है, पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा। उस 200 मार्क्स में आपके टाइम मिलेंगे 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड मार्क्स कितना होंगे 200, मतलब एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे में होंगे। अब ये 200 मार्क्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है टेक्निकल और नॉन टेक में। अगर नॉन टेक की बात करें हम लोग, तो नॉन टेक में आपका GA आपका कितना है 50 मार्क्स का, 50 नंबर का, और जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपकी, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपकी है 50 मार्क्स की। तो देखिए यही सिलेबस आप पढ़ने वाले हैं, RRBJE के लिए भी है, DSSSB के लिए भी है, तो ओवरऑल कॉमन तैयारी है आपकी। आप कॉमन स्टडी करना है GA का, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, और टेक्निकल में देखें आप तो जिस डिसिप्लिन के आप हैं, अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, उस टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव आपका जो ये CBT फर्स्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है ऑप्शंस को देखते हुए, ये ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, 200 पे टाइम कितना रहेगा आपका 2 आवर्स, टेक्निकल नॉन टेक दोनों, और ये डिपेंड करेगा टेक्निकल कि आप सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आप किससे आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है उसी के ही पर्टिकुलर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ कोई मिक्सअप नहीं है प्रीवियस की तरह, ये पेपर फर्स्ट। और इस पेपर फर्स्ट की जो डेट डिसाइड की गई है नोटिफिकेशन में वो 23 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 तक, ये डेट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका पेपर फर्स्ट कब होने वाला है, ठीक है। पेपर फर्स्ट होने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया बनाए गए, जो मॉडिफिकेशन इस बार है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या देखिएगा कि मॉडिफिकेशन में यहाँ पर ये लोग नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, जो कि होता क्या था कि नंबर ऑफ सेट्स बनते थे, नंबर ऑफ 4 दिन में पेपर हो रहा है, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो कोई शिफ्ट बहुत हार्ड आ गया, कुछ बहुत लो आ गया, उसके बेस पर लेवल क्या था पेपर का, तो क्या करने वाले हैं ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इट मींस कि ये मार्क्स को बढ़ाएंगे, किसी कम करेंगे, ताकि ये डिफरेंस ना हो कि पेपर टफ या लेवल की पेपर टफ हो गया, पेपर कम लो लेवल का आ गया। तो यहाँ पर एक बार ये किया जाएगा, जो कि इस बार पहली बार हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम होगा, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर इस बार इन्वॉल्व कर दिया गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इट मीन्स ये पहली बार है यहाँ पर कि जर्नल कैटेगरी को 30% मार्क्स लेके आने हैं, OBC को आपको यहाँ पर 25% मिनिमम लेके आने हैं, एंड अदर SC ST सबको
20% नंबर लेके आने। अगर कोई जनरल कैटेगरी बंदा मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाता, इट मीन्स कि वो उसकी कॉपी फर्दर चेक नहीं होने वाली या वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी इस बार ऐड किए गए हैं, इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। बस ये दो चीज़ यहाँ पर क्या की है, मॉडिफिकेशन की गई है, बाकी पैटर्न प्रीवियस ईयर की तरह ही सेम है। ओके, कोई भी कैंडिडेट जो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करेगा, उसका पेपर टू जो कि आपका मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, आपको लिखना होगा। पेपर टू पेपर सेकंड जो कि अब सीबीटी नहीं होगा, कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब मेंस होगा, ठीक है ना। पेपर टू आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और पर्टिकुलर 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स, और 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा ये, और 2 घंटे के लिए होगा। और इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो की गई है वो 29 दिसंबर 2019 दिसंबर को डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। इट मींस कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा और डिग्री सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में हैं, वो लोग पर्टिकुलर इसी को ही 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उनका पेपर। 300 नंबर में हो सकता है जो प्रीवियस ईयर में था, 6 सेक्शन डिवाइड कर दिए, हर सेक्शन आपका 6 सेक्शन कर दिए, डिवाइड कर दिए, 6 सेक्शन आपको डिवाइड करने के बाद आपको कोई 5 सेक्शन करने होते हैं, 6 सेक्शन में कोई भी आपको 5 सेक्शन चूज़ करने होते हैं, और हर एक सेक्शन आपका 60 नंबर का होता है, ये 300 नंबर। और अब जो मॉडिफिकेशन हुआ है पेपर्स में कि हर सेक्शन में भी क्या है कि सब सेक्शन कर दिए गए हैं, किसी में आपका 4 कर दिए तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंटू 4 तो 60 हो गया, और 25 मार्क्स का इंटू 2 कर दिए 50 मार्क्स का, प्लस 10 मार्क्स की थ्योरी या न्यूमेरिकल कर दिया तो 60 मार्क्स का। तो ये सब सेक्शन किसी तरह भी डिवाइड हो सकता है, बट एक सेक्शन कन्फर्म है कि 60 नंबर का होगा। 5 सेक्शन करने हैं आपको, तो ये 5 सेक्शन आपके क्या होंगे, 300 नंबर के होंगे। तो जो भी कैंडिडेट अगेन पेपर टू क्वालिफाइड करेगा, यहाँ भी कंडीशन वही लगाई गई है, जर्नल के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% एंड अदर के लिए यहाँ पर 20%, यहाँ भी सेम कैटेगरी लगाई गई है, इतना मिनिमम मार्क्स लेके आना है। और जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू, मतलब कि यहाँ जो बनेगी मेरिट, या नोट करिएगा, जो यहाँ मेरिट बनने वाली है वो मेरिट यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के बनने वाली है। आरआरबी जेई की तरह ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आरआरबी जेई में सिर्फ पेपर फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग है, वहाँ मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बट एसएससी जेई इसमें जो मेरिट बनेगी आपकी, वो मेरिट पेपर फर्स्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर टू जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इन दोनों की मेरिट जोड़ के बनाई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और देन फर्दर देयर इज नो इंटरव्यू। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नो इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री पेपर फर्स्ट पेपर टू मिला के क्वालिफाई कर जाता है तो उससे आपको फिर इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फर्दर एक लिस्ट निकलेगी जो कि नंबर ऑफ सीट्स जितनी भी हैं उस सीट्स के टाइम्स बुलाए जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 2 times 3 times, ये डिपेंड करेगा SSC-JE की नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हुए हैं। और उसके बाद एक फर्दर मेरिट लिस्ट निकलेगी, वो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है डियर। तो आपको करना क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप प्रॉपरली तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तैयारी इन द सेंस कि आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम में आपको टेक्निकल और नॉन टेक पहले अच्छे से स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी आपके पास आरआरबी जेई और डीएसएसबी भी है, और एसएससी-जेई का आपका सितंबर में क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव तौर पर स्ट्रांग करिए और रेगुलरली धीरे 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 करके आपको क्या करना है कि आपको डेली मेंस पढ़ना है, मेंस के लिए भी आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। मैं फिर से एक बात कहूँगा आपसे कि डियर देख, सक्सेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करनी है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक्स मत अपनाइए कि शॉर्ट ट्रिक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होगा, आपको थ्रू आउट स्टडी करनी पड़ेगी,
अपना सिलेबस निकालिए आप, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, और जो सिलेबस दिया है, जो टॉपिक कंसीडर किया गया, उसकी एक बार गहन अध्ययन, डीप स्टडी कर डालिए। उसके बाद आप स्मार्ट वर्क करिए कि आप जब दोबारा पढ़ें तो उस पर क्या ऑब्जेक्टिव आया हुआ है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए आप लोग, प्रीवियस ईयर के जो कन्वेंशनल में पेपर्स आए उनका पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के ये है कि आपको जो स्टडी करनी है, एक अपने तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और इस बार आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कैंडिडेट आप आरआरबी जेई डीएसएसबी भी हो गया आपका, आपका एसएससी जेई का 18 और 19 का भी आने वाला है, तो आपके पास वैकेंसी की कमी नहीं है, बट अब आपको जॉब लेनी है और अपना सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के थ्रू आप स्टडी करें। ओके डियर, एंड एनी क्वेरीज, आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जो नीचे दिए हुए नंबर उस लिंक में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कैसे करना है आपको तैयारी, और फर्दर आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगा, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में सिलेक्शंस हुए भी हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे यहाँ जुड़ते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास क्वालिटी होती हैं। आप हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आप जाके डेमो देख सकते हैं कि फैकल्टीज जो यहाँ पढ़ाती हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाती हैं, और सभी फैकल्टी के एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड, ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं वो, और उनको एक्सपीरियंस भी है कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है। तो आप सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं, आप हमारे डेमोज देख सकते हैं, डेमो में जाके आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की जो फैकल्टीज़ हैं उनके डेमो देख सकते हैं, और पर्टिकुलर आपको कोई डाउट अगर होता भी है तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं। तो ये मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप सेल्फ स्टडी भी, अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में, आप पूछ सकते हैं कि, और एडवाइस दे सकते हैं कि, और इवन कि हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, कि क्या करना चाहिए, क्या हमें मॉडिफाई करना चाहिए, और प्लस हम बताएंगे आपको कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मौका आपके पास है, इस मौके को वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और डेफिनेटली आपको एसएससी जेई 2018 में एक पोस्ट एक आपके लिए बनी हुई है जिसको आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है आपको, और दैट इज़ एसएससी जेई 2018। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़, जैसे कि आपको और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।